Welcome to Learning Institute. So, hello friends, my name is Abhishek. You are watching chapter number 4, The Principles of Communication. Let's begin. So, first we study about communication. So, communication is an exchange of facts, ideas, opinions or emotions by two or more persons. Simple definition of communication. So, steps. Sender ne decide karega communicate karne ke liye and wo message ko encode karega. Then जो सेंडर है वो ट्रांसमिट करेगा मैसेज को थ्रू कम्युनिकेशन चैनल टू रिसीवर देन मैसेज देन डिकोडेड एंड एक्टेड अपॉन सो रिसीवर्स को डिकोड करेगा समझेगा अंडरस्टैंड करेगा एंड एक्ट करेगा उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू मैसेज देन मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज इन्फॉर्मिंग एजुकेटिंग एंटरटेनिंग एनलाइटिंग एंड कन्विंसिंग सो देन नेक्स्ट है द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन So for the purpose of effective communication, the principle or guidelines. Effective communication के purpose के लिए principle और guidelines use किए जाते हैं should be followed. Follow करनी चाहिए जिनको हम 7 C's के जैसे 7 C's के नाम से refer करते हैं. So इनके name है principle of clarity, principle of completeness, principle of correctness, principle of conciseness, principle of coherence, principle of credibility and principle of continuity. So first we have study about principle of completeness. So principle of completeness. So here is given 4 points. A message must be organized properly. Properly organized होना चाहिए message and includes वो सारे important ideas and details को include उसमें होने चाहिए. Then अगर communication को proper रखना है तो उसमें सारी ideas and details होने चाहिए. अगर नहीं होंगी तो वो incomplete communication form करेगा. मतलब कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट रह जाएगी एंड इनकम्प्लीट मैसेज डाउट फॉर्म कर सकता है रिसीवर्स के माइंड में देन फोर्थ पार्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द मैसेज मस्ट बी ग्रुप्ड टुगेदर एंड ब्रॉट टुगेदर इन अ लॉजिकल सीक्वेंस टू प्रिपेयर मीनिंगफुल यूनिट्स सो जितने भी पार्ट्स हैं मैसेज के एकदम सीक्वेंस में लगे होने चाहिए जिससे कि एक मीनिंगफुल कन्वर्जेशन हो सके कि ये पहली लाइन ये आनी चाहिए फिर ये वाली लाइन आनी चाहिए फिर ये वाली लाइन सो एक मीनिंगफुल यूनिट अच्छे से प्रिपेयर हो सके एकदम अच्छी सी कन्वर्जेशन हो सके देन नेक्स्ट सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी सो हियर इज गिवन 3 पॉइंट्स सो पहला है कि जो मैसेज है वो एकदम करेक्टली प्लान होना चाहिए और एक्सप्रेस होना चाहिए एक लॉजिकल वे में ताकि रिसीवर को अच्छे से समझ में आ सके दूसरा पॉइंट है इसे कम्युनिकेटर या सेंडर को ये ध्यान रखना जरूरी है जो पूरी कम्युनिकेशन है वो स्टार्टिंग से एंड तक एकदम स्मूथली चले कोई दिक्कत उसमें ना आए रिसीवर को पूरी कम्युनिकेशन अच्छे से समझ में आ जाए देन ये इट शुड बी वर्डेड इन सच अ वे दैट इवन द मोस्ट अनइनफॉर्म्ड पर्सन कुड रीडली अंडरस्टैंड इट मीन्स जो इंसान उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं जानता वो भी उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सके ऐसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए The next is principle of correctness. So here is given 4 points. So communication must be accurate in tone, style of expression, spelling of expression, format, grammar, content, information, etc. So ये सब चीजें correct होना जरूरी है वरना receiver का जो interest है वो हट जाएगा. Then there should not be any wrong statement in the message. वरना फिर जो receiver है वो बिल्कुल ही ध्यान देना बंद कर देगा उसको लगेगा कि जो बोल रहा है sender वो गलत है लग सकता है जरूरी नहीं हर एक को लगे लेकिन किसी को लग भी सकता है जो सेंडर बोल रहा है वो गलत है देन एफर्ट मस्ट बी मेड टू अवॉइड ग्रामेटिकल एरर एंड एरर इन स्पेलिंग पंक्चुएशन एक्सेट्रा सो अगर ग्रामेटिकल एरर या एरर इन स्पेलिंग्स होती है कम्युनिकेशन के टाइम पर देन रिसीवर का ध्यान हटके उन एरर्स पे आता है जैसे वो उसको एक एरर मिलता है तो वो ये उसको लगेगा कि इसमें और भी एरर्स हो सकते हैं तो उसका ध्यान कम्युनिकेशन से हटके वो एरर्स ढूंढने में लग जाता है देन वो कम्युनिकेशन पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता Then, next is principle of coherence. So, here is given 6 points. The word coherence is used to refer to make sense of relationship between single units that is sentence or proposition of text. Then, simply we understand. Coherence means bringing together several ideas under one topic in a paragraph. So, several ideas को एक topic के अंदर एक paragraph में bring करना
उसे हम कहते हैं कोहेरेंस। ठीक है, देन क्लैरिटी एंड रिलेशंस आर द टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कोहेरेंस। देन क्लियर कम्युनिकेशन इन सिंपल सेंटेंस हेल्प द रीडर टू अंडरस्टैंड बेटर। सो क्लियर कम्युनिकेशन इन सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में अगर कम्युनिकेशन होगी तो रीडर को आराम से अंडरस्टैंड हो जाएगा और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। देन फैक्ट्स एंड फिगर्स मस्ट बी स्टेटेड क्लियरली एंड इन अ इंटेलिजेंट मैनर ताकि अच्छे से रिसीवर को समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रह जाए। देन द कम्युनिकेशन मस्ट फ्लो स्मूथली एंड फ्लुएंटली एंड देयर शुड नॉट बी एनी स्कोप फॉर रीडर टू मिस इंटरप्रेट मिसरीड और मिसपेल द मैसेज। तो इतना अच्छे से कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि रिसीवर को ना तो वो मिस इंटरप्रेट करे, ना मिसरीड करे, ना मिसपेल करे, उसको एकदम क्लियरली रिसीवर को समझ में आना चाहिए कि सेंडर कहना क्या चाहता है। देन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंसाइजनेस। तो इट सिंपली मीन के जो हमारा कम्युनिकेशन है वो छोटी होनी चाहिए लेकिन इफेक्टिव होनी चाहिए। सो कम वर्ड्स हों लेकिन इफेक्टिव हों। देन कंसाइजनेस रेफर्स टू थॉट्स एक्सप्रेस इन अ फ्यू वर्ड्स। इट मींस सेइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी सेड एंड नथिंग मोर। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही कहा जाए, उससे ज्यादा नहीं। अननेसेसरी डिटेल्स या लेंथी पैराग्राफ कम्युनिकेशन को फुलिश या इनइफेक्टिव बना देते हैं। देन मैसेज व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन फ्यूअर वर्ड्स इज मोर इंप्रेसिव एंड इफेक्टिव। देन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी। सो हियर इज गिवन 3 पॉइंट्स। गुड राइटिंग हैज द पावर एंड कैपेबिलिटी टू ब्रिंग आउट अ रिएक्शन और डिजायर्ड इफेक्ट। जैसा सेंडर इफेक्ट डालना चाहता है वो गुड राइटिंग से वो रिसीवर पर इफेक्ट डाल सकता है। देन क्लैरिटी इन राइटिंग ब्रिंग्स अबाउट क्रेडिबिलिटी बिकॉज इट एंश्योर दैट अदर अंडरस्टैंड द मैसेज क्विकली एंड इजिली। क्लैरिटी से ये इंश्योर होता है कि मैसेज क्विकली और इजिली समझ में आ रहा है रिसीवर को। अदर्स अंडरस्टैंड द मैसेज क्विकली एंड इजिली। देन अ क्लियर एंड डायरेक्ट अप्रोच इन कम्युनिकेशन मेक्स इट पॉसिबल टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी। क्लियर और डायरेक्ट अप्रोच इन कम्युनिकेशन पॉसिबल करता है टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी। देन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। सो हियर इज गिवन 4 पॉइंट्स। यहाँ पर 2 स्पेशल वर्ड्स हैं जैसे कि जैगरन्स एंड कॉलोक्विलिज्म। सो जैगरन्स 4 स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि डिफिकल्ट हो सकते हैं, डिफिकल्टी क्रिएट कर सकते हैं दूसरे लोगों के लिए जैसे रिसीवर्स के लिए टू अंडरस्टैंड, जैसे कि हम उसको हार्ड वर्ड्स भी कह सकते हैं। एंड कॉलोक्विलिज्म जो वो वर्ड्स या फ्रेज होते हैं जो कि फॉर्मल नहीं होते लेकिन कुछ लोग यूज करते हैं इन ऑर्डिनरी और फैमिलियर कन्वर्सेशन। इनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये चांसेस है अगर सेंडर इनको यूज करेगा तो रिसीवर को समझ में नहीं आएगा, तो इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन को खत्म कर देगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है व्हाइल राइटिंग जैगरन शुड नॉट बी यूज्ड एज इट कैन मेक द मैसेज कंफ्यूजिंग एंड अनक्लियर। सो ये मैसेज को कंफ्यूजिंग एंड अनक्लियर बना देगा, इसलिए जैगरन का यूज नहीं करना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट द यूज ऑफ सिंपल एंड फ्यूअर वर्ड्स ब्रिंग्स अबाउट कंटिन्यूटी एंड एड ग्रेस टू द कम्युनिकेशन। सो ये सोचने वाली बात है अगर सिंपल होगी तो इजिली रिसीवर उसको अंडरस्टैंड करता रहेगा एंड वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। देन अगर कंटिन्यूटी बीच में टूटती है, अगर डाउट क्रिएट होते हैं रिसीवर के माइंड में या उसको नहीं समझ में आता है तो कंटिन्यूटी टूट जाएगी और इंटरेस्ट हट जाएगा रिसीवर का कम्युनिकेशन से। देन लास्ट पॉइंट इफ वन टेक्स केयर टू बी गुड करेक्ट एंड क्लियर एंड इफ द कंटिन्यूटी इज मेंटेन थ्रू आउट द कम्युनिकेशन द डिजायर्ड इफेक्ट फ्रॉम द रिसीवर कैन बी एक्सपेक्टेड। सो जो इफेक्ट डालना चाहता था सेंडर रिसीवर को वो इजीली एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगर वो कम्युनिकेशन अच्छी रही, करेक्ट रही, क्लियर रही और कंटिन्यूटी मेंटेन रही थ्रू आउट द कम्युनिकेशन, देन वो असर जो सेंडर रिसीवर पर डालना चाहता था वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।